नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 9 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और उसके अंदर जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे वो सभी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार था, एमपी के गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, जून 2019 तक मानव संसाधन मंत्री कौन थे? तो दोस्तों वर्तमान है रमेश पोखरियाल निशंक जी और पूर्व में थे दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, लावणी नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का है लावणी नृत्य। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, गांधी जी किसे आज़ाद शत्रु कहकर बुलाते थे? अगला क्वेश्चन था दोस्तों, 1975 से 77 तक कौन राष्ट्रपति थे? दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो कि 1975 से 77 तक इमरजेंसी में राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? टोक्यो जापान में होने वाले हैं दोस्तों 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, रिजोल्यूशन 2020 बुक के लेखक कौन हैं? रिवोल्यूशन 2020 बुक है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, लेड का सिंबल क्या है? तो लेड का सिंबल PB है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट है, जो कि प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, शुतुरमुर्ग किस काल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, पटियाला में शीश महल किसने बनवाया था? तो 1847 में महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा पटियाला में शीश महल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, जो कि खुदरा विद्रोह से संबंधित था। एक क्वेश्चन इस प्रकार आया था दोस्तों, तानसेन समारोह कहाँ होता है? तो दोस्तों तानसेन समारोह या तानसेन संगीत समारोह हर बार दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहत गांव में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, राष्ट्रपति इलेक्शन किस आर्टिकल से संबंधित हैं? तो आर्टिकल 53 से संबंधित है राष्ट्रपति इलेक्शन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक के फाउंडर कौन हैं? तो एम चिदम्बरम जी हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के फाउंडर। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, HDFC बैंक के संस्थापक? तो बीबू वर्गीज हैं दोस्तों, जो कि HDFC बैंक के संस्थापक हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार आया था, WTO का मेंबर कौन नहीं था? अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार आया था, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को बैरम खान और हेमू के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि SSC MTS 9 अगस्त सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए। यदि आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।